गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और साइबर क्राइम थाना पुलिस ने उद्योग और फेस फोर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर में संयुक्त रेड की रेड के द्वारा पाया कि आरोपी कॉल सेंटर में अमरीकी मूल के लोगों को साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में 17 लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 22,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि उद्योग व्यवसाय फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम बनाकर जब रेड की गई तो पाया कि आरोपी अमरीकी मूल के नागरिकों के कंप्यूटर द्वारा वॉइस मेल पॉपअप भेजते थे, जिसके बाद आरोपी अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट का सदस्य बताकर लोगों से 400 से $1,000 तक की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी में पूछताछ में पता चला कि कॉल सेंटर संचालक यहां काम करने वाले लोगों को वेतन के अलावा सेल पर कमीशन भी अलग से देता है। इसी ठगी के वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जा रहे 6 लैपटॉप, 3 डेस्कटॉप, 18 मोबाइल, 1 पेन ड्राइव, 64 GB और 22,50,600 रुपए नकद बरामद किए हैं। और गुरुग्राम के उद्योग थाने में धारा 420, 120B, IPC व 66D, 75 IT एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।